नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के सिसोली में आज किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का 88वां जन्मदिवस है और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पहुंची है। केराना लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन की सांसद पद की दावेदार माने जा रही है एक राशन जी, वो भी आज बाबा टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंची है। तो बाबा टिकैत को आप किस तरीके से याद कर देख रहे हो? देखिए, सभी लोग आज यहाँ पर उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे हैं और उनका जो जीवन रहा है वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया और अपने संघर्ष से आज वो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे गए हैं जिसके बलबूते जितने भी किसान हैं वो अपने हक की लड़ाई, अपनी मांगे रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, वो किसान मसीहा थे और इसीलिए उनकी ज़िंदगी से जितनी भी प्रेरणा हम ले सकते हैं वो प्रेरणा लेने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज आपने यहाँ मन से हसन परिवार के और टिकैत परिवार के जो रिश्ते हैं उनको भी याद किया? जी, मेरे जो पिताजी थे वो कैराना ब्लॉक के पहले जिला अध्यक्ष बने थे किसान यूनियन के और बहुत गहरा संबंध रहा है दोनों परिवारों का और बहुत पुराना भी रहा है और आज भी वही मान सम्मान हमारे मन में है पूरे यूनियन के लिए और परिवार के लिए। कैराना लोकसभा क्षेत्र से आपको आने वाले चुनाव में लोकसभा सांसद पद का प्रत्याशी माना जा रहा है, लेकिन गठबंधन में अभी सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और अभी कौन सी सीट किस सिंबल पे रहेगी, बहुत सारी चीज़ें अभी फ्यूचर में डिसाइड होनी है। तो लेकिन हम लोग, हमारा काम है मेहनत करना फील्ड में, जिसे भी टिकट होगा गठबंधन को हम लड़ाने का, जिताने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और चुनाव तो लड़ना ही है, जो भी लड़े 24 में पूरा गठबंधन एकजुट होकर उन्हें लड़ाने का काम करेगा। राशन की अपनी पसंद क्या होगी, चुनाव चिन्ह, नल या साइकिल? देखिए, ये तो दोनों ही अपने चुनाव चिन्ह हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, बाकी जो हमारे दोनों अध्यक्ष जी हैं उनको जो बेहतर लगेगा वो उनके हिसाब से ही सब डिसाइड होगा। जहाँ इकरा सन को पब्लिक का सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है, वहीं राजनीति का क्षेत्र में भी चुनौतियाँ बड़ी हैं। अमीर आलम खान साहब के बेटे हैं पूर्व विधायक नवाजी आलम खान, वो भी गठबंधन के टिकट पर अपना दावा जता रहे। जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है दावेदारी करने का भी, टिकट मांगने का भी, तो सभी लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ये फैसला तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का होगा कि वो किसे पसंद करें और किसे टिकट दें, बाकी हम लोग अपनी मेहनत पर खड़े हैं तो जैसा ऊपर वाले को मंजूर होगा। अच्छा, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और उसके साथ साथ में कुछ नए मुद्दे सामने आने शुरू हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुद्दा उठाया है अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश के निर्माण का, आप इसे कितने सहमत हैं? देखिए, ये सिर्फ सपना दिखाने की, झूठी बरगलाने की बातें हैं। उनकी दोनों जगह सरकार है, सेंटर में भी स्टेट में भी, अगर वो चाहें तो वो अब तक भी ये काम कर सकते थे, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर पर आगे का सपना दिखा रहे हैं। उनको बिल्कुल विपक्ष की तरह दलीलें नहीं देनी चाहिए, वो सरकार में है, सत्ता में है और एक जगह नहीं डबल इंजन की सरकार में है, तो वो चाहें तो करके दिखाएं, हमें वो करके दिखाएं, दलीलें ना दें, तो उनकी बातों का यकीन जब ही होगा जब वो करके दिखाएंगे। उन्हीं के पार्टी के नेता है पूर्व विधायक है संगीत सोम, कह रहे हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, उनका काम हमेशा से ही समाज में विभाजन और द्वेष फैलाने का रहा है, अभी भी उनकी जो बात है ये वही उदाहरण पेश करती है, तो उनकी बात पर मैं कोई ना तो उसे गंभीरता से लूंगी ना टिप्पणी करना चाहूंगी। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इकरा हसन कितना तैयार है केराना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सामने चुनाव लड़ने? जी, तैयारी पूरी है, तैयारी मजबूत है, बस ऊपर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से हमें अंदेशा मिलने की देरी है, लेकिन जो भी चुनाव लड़ेगा उसको मजबूती से खड़े होकर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि पहली कोशिश सभी की ये है कि हमें भाजपा को रोकना है, चाहे किसी भी तरह अपनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो भी हम सबको मिलकर भाजपा को रोकना है और एक सीट पर तो हम इंशाल्लाह रोक लेंगे। तो मजबूत राजनेता की तरह एक राशन ने अपनी बात रखी है, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी पूरी है, दोनों गठबंधन के जो बड़े नेता है वो तय करेंगे कि सीट किसके खाते में रहेगी और चुनाव चिन्ह क्या होगा।